2022 में कौन कौन से इंडेक्स जारी किए गए हैं और भारत की इन सभी इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची बताता है, इसे इस आधार पर जारी किया जाता है कि विश्व के किसी एक देश के पासपोर्ट पर बिना वीजा कितने देशों में ट्रेवल किया जा सकता है। जितने ज्यादा देशों में बिना वीजा ट्रेवल किया जा सकेगा उतना ज्यादा ही उस देश का पासपोर्ट पावरफुल होगा। ओके, तो देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जिसे हाल ही में जारी किया गया है, इस सूची के तहत विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। विश्व में बिना वीजा के सबसे ज्यादा देशों की यात्रा जापान देश के नागरिक कर सकते हैं। इस सूचकांक में विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 87वां मतलब 87वां स्थान दिया गया है। तो आंसर हमें पता चल गया कि भारत का हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में 87वां स्थान है। देखिए, इस सूची में विश्व के टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर दक्षिण कोरिया है। यहां पर 10 देशों की सूची मैंने आपको दे दी है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली 3 ही देश पूछे जाते हैं जो कि प्रारंभिक हैं। इसके बाद भारत के स्थान को याद रखिए, ये 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा हर साल इस सूचकांक को जारी किया जाता है और 2022 में इसके 15वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में देखिए 163 देशों को शामिल किया गया था और 163 देशों की सूची में शांति के मामले में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। आइसलैंड विश्व का सबसे ज्यादा शांति वाला देश है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 135वें स्थान पर रहा है। पिछले साल 2021 में जारी इस सूचकांक में भारत 137वें स्थान पर था। अब इसकी दो रैंकिंग का सुधार हुआ है और अब इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 135वीं है। आंसर बी हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को जारी कौन सी संस्था करती है? तो देखिए, ये जो इंडेक्स है IMD, जिसे प्रबंधन विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में जारी इस सूचकांक में प्रतिस्पर्धा के मामले में विश्व में पहले स्थान पर यूरोप का देश स्विट्जरलैंड है और अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 37वें स्थान पर है। इस सूचकांक में एशियाई देशों में सबसे अधिक वृद्धि देखिए भारत ने की है। भारत पिछले साल इस सूची में 43वें स्थान पर था और अब ये आगे बढ़कर 37वें स्थान पर आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि IMD द्वारा इस सूची को जारी करने के लिए 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इस सूची में शामिल किया गया था। 63 देशों में इस सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 37वां है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है। M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी। अब देखिए, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में विश्व के सबसे रईस व्यक्ति टेस्ला के मालिक एलन मस्क है, जिनकी संपत्ति $205 अरब है। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो ये मुकेश अंबानी हैं। ओके, टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन दो शहरों को चुना गया है? तो केरल राज्य और इसके अलावा गुजरात का शहर अहमदाबाद। केरल को उसके समुद्र तट और हरे भरे बैकवाटर के कारण इस सूची में शामिल किया गया है और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये पहले से ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल शहर है। इन दोनों को हाल ही में टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, अहमदाबाद और केरल। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर USA रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 43वें स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर USA है और भारत का इस सूची में 43वां स्थान है। अगर हम इस सूची में टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो USA के बाद यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंकिंग पर है। भारत इस सूची में 43वें स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
विश्व का सबसे स्वच्छ शहर जहां पर कोई भी प्रदूषण नहीं है, ऐसा देश डेनमार्क है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में यूरोप का देश डेनमार्क पहले स्थान पर है और इस सूची में भारत 180वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। 2022 में इस रिपोर्ट में 163 देशों को सम्मिलित किया गया था और इस सूची में विश्व का सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं वाला देश अफगानिस्तान रहा है। भारत का इस सूची में 12वां स्थान है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है। आंसर सी। नेस्ट इंडेक्स के आधार पर विश्व का सबसे खुशहाल शहर या सबसे रहने लायक शहर स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का कोई शहर अगर इस सूची में आता है तो वो है मुंबई। मुंबई इस सूची में 14वें स्थान पर है और दिल्ली उसके बाद 26वें स्थान पर है। तो स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग टाइम आउट 2022 इंडेक्स में पहले स्थान पर है। एडिनबर्ग। कौन सी संस्था हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है? तो देखिए, भारत में किसी भी उत्पाद या फिर किसी भी रॉ मटेरियल के रेट में वृद्धि होने के आधार पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को CBDT के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक, जिसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, CBDT जारी करता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। यहाँ से देखिए, केवल आपको संस्थान का नाम ही पूछा जाएगा तो आप केवल संस्थान के नाम को ही यहाँ पर याद रख लीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब इसमें इस इंडेक्स में 142 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें विश्व का सबसे पावरफुल सैन्य क्षमता वाला देश अमेरिका है। मतलब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर अमेरिका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इस सूची में चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। आंसर डी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? यूरोप के देश डेनमार्क में प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम प्राप्त है, तो डेनमार्क इस सूची में पहले स्थान पर है और भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें स्थान पर है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में 2022 में जारी किस सूचकांक में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है? तो ये सूचकांक है फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। आंसर डी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे EIU के नाम से जाना जाता है, यही संस्था विश्व में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है। किसी भी देश में मेडिकल सुविधा कैसी है, हेल्थ स्ट्रक्चर कितना डेवलप है, अपराध दर कितनी कम है, वहां की राजनीति कितनी स्थिर है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और दुनिया में रहने योग्य देश की सूची बनाई जाती है। 2022 के इस सूचकांक में विश्व के सभी देशों के 173 शहरों को शामिल किया गया है और इस 173 शहरों की सूची में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का शहर वीना है। ऑस्ट्रिया का शहर वीना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 5 टॉप सिटीज बता दी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कोई भी शहर अगर इस सूची में है तो वो है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो इस सूची में 112वें स्थान पर है और इसके बाद भारत का शहर मुंबई आता है। मुंबई इस सूची में 117वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में ऑस्ट्रिया का शहर वीना पहले स्थान पर है। वर्तमान 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। 2022 में इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया था। कौन सा देश अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा है या उससे निपट रहा है, या फिर इसके अलावा कौन भुखमरी पर कंट्रोल कर रहा है और कंटिन्यूसली डेवलप करता जा रहा है, इस आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2022 में 163 देशों की सूची में भारत 121वें स्थान पर था। पहले स्थान पर यूरोप के देश फिनलैंड को रखा गया है। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का 121वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
तो देखिए, ये रिपोर्ट भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ही जारी की जाती है। वर्ल्ड में जीवन जीने की फ्रीडम, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2022 में इस सूचकांक में 146 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इस रैंकिंग में 136वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप पर रखा गया है? तो देखिए, ये देश के अंदर की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 में भारत के राज्य आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है और यह जो रिपोर्ट है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर तेलंगाना राज्य है। भारत का राज्य आंध्र प्रदेश इस सूची में पहले स्थान पर है। आंसर ए। 2022 में आयोजित इट राइट चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग में देश के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए, भारत में प्रदेश का शहर इंदौर है, तो इट राइट चैलेंज कार्यक्रम रैंकिंग में इंदौर पहले स्थान पर है। इसके बाद देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? अभी देखिए, जस्ट हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, 146 देशों को इसमें काउंट किया गया था। पहले स्थान पर आइसलैंड था और भारत इस सूची में 135वें स्थान पर रहा है। आंसर बी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-23 में छात्रों के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो देखिए, ये इंडेक्स एक प्राइवेट संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर संस्था को छोड़ देते हैं। अब हमको ये याद रखना है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-23 में विश्व में छात्रों के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर यूके का शहर लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में स्टूडेंट्स के रहने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है, जहां पर रहकर वो अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अगर कोई शहर हम इस सूची में देखें तो वो सबसे पहले आएगा मुंबई। भारत का शहर मुंबई स्टूडेंट्स के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में 103वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूके का शहर लंदन है। लंदन। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की सूची में नरेंद्र मोदी को किस रेटिंग के साथ शीर्ष पर रखा गया है? तो देखिए, ये अमेरिका बेस्ड एक संस्थान है फ्रेंड्स, जिसने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की सूची जारी की है और इस सूची में 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे टॉप लोकप्रिय नेता है। इसके बाद मेक्सिको के लोपेज ओब्रेडोर इस सूची में दूसरे नंबर पर है, इटली के मारियो द्रांगी तीसरे नंबर पर और जापान के फुमियो किशिदा इस सूची में चौथे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी को 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। भारत के लिए काफी गर्व की बात है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2022 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो देखिए, 2022 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2% हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है, जिसका अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और भारत में प्रजनन दर जो कि पहले 2.2% थी अब 2% पर आ गई है। भारत में देखिए सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है, जहां की कुल प्रजनन दर 2.98% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेघालय आता है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन दर बिहार राज्य की है। इसके बाद देखिए, वीडेम्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, पहले तो नाम ही पता चल गया, ये एक प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है वीडेम्स इंस्टीट्यूट। इसने देखिए हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें 179 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत का इस रैंकिंग में 93वां स्थान है। तो वीडेम्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 93वां स्थान दिया गया है। आंसर डी। देखिए, यहाँ पर पहला स्थान याद रखिएगा और इसके अलावा टॉप 3 देशों को भी याद कर लीजिएगा। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे इस सूची में टॉप 3 देश है। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो देखिए, हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला नायका की सीईओ संस्थापक
फाल्गुनी नायर है। फाल्गुनी नायर इस सूची में भारत की सबसे अमीर महिला है।